2024 के विधानसभा चुनाव में यदि भाजपा ने इस बार की अनदेखी की तो फिर से जनता के दम पर लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर विधायक नयन पाल रावत ने ताल ठोकी। 11 फरवरी को करेंगे अपने कार्यालय पर विशाल रैली का आयोजन। साहब, आज तमाम कार्यकर्ताओं को बुला करके जो है वो निमंत्रण दिया है 11 तारीख को रैली करने वाले, क्या कुछ है, किस तरीके से रहेगा? देखिए, 11 तारीख को यही चंदावली के इस ग्राउंड में एक प्रार्थना परिवार का कार्यकर्ता सम्मेलन करने का जो हमने मन बनाया, आज उसी का निमंत्रण देने के लिए हमने कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया था, लेकिन आज इन्होंने उस सम्मेलन को, उस जो निमंत्रण देने का जो कार्यक्रम था उसको भी मेरे क्षेत्र की जनता ने रैली का रूप दे दिया। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सैलाब, एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन इस चंदावली गांव में प्रथम विधानसभा की तरफ से देखने को मिलेगा। क्या लगता है विधानसभा का आगाज जो है वो होने वाला है इस रैली के माध्यम से? वो तो चुनाव आई है, विधानसभा का भी, लोकसभा का भी, सभी अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी तैयार रहना है। तो उसके लिए हम इसको तैयारी भी कह सकते हैं कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपने लोगों का रुख देख रहे हैं, तो ये भी एक निश्चित तौर पर तैयारी है। बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं प्रथला विधानसभा क्षेत्र में, आपको क्या लगता है किस तरीके से रहेगा इस बार का चुनाव? देखिए, चुनाव तो ये उस समय समय बताएगा, जनता जिसके साथ होगी वो जीतेगा। रही बात किसी किसी की तैयारी करने की, तो सबका हक बनता है, सबके कहीं ना कहीं उमंग होती है। आज कई सारे पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं, वो अपने अपने स्तर पर, एक ही पार्टी में अपने अपने स्तर पर तैयारी करते हैं, तो सबका अपना अपना ध्येय है, जो फैसला जनता देगी वो स्वीकार होगा। विधायक नयनपाल रावत किससे चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी से या फिर निर्दलीय फिर से कहीं ना कहीं 2019 का माहौल बनाएंगे? इसका निर्णय अभी नहीं हो सकता, इसका निर्णय समय आने पर होगा। जैसे हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रखा है और 10 साल दो बार हमने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और 19 में हमारी टिकट कटी, लेकिन फिर भी मैंने पार्टी को बुरा भला नहीं कहा, क्योंकि पार्टी हमारी माँ है, माँ से भी गलती हो जाती है। और निश्चित तौर पर मैं जनता जनार्दन के दम पर कह सकता हूँ, जिस प्रकार से हजारों लोगों को मैंने, जो नॉन वोटर थे, जो मेरे वोटर नहीं थे, उनको मैंने जोड़ा है, तो मुझे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। ये फैसला उस दौरान लेंगे जब चुनाव होगा। उम्मीद तो है आपको बीजेपी टिकट? उम्मीद तो हाँ, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विकास के मामले में, अन्य कार्यों में निश्चित तौर पर मेरे ऊपर पूरा हाथ रहता है, लेकिन जहां तक टिकट की बात है वो एक संगठन का मामला। माननीय मुख्यमंत्री से ना तो मैंने कभी हाँ कराई और ना मैंने कभी कहा, ना मैं पूछा। विधायक जी, विपक्ष के जो नेता है आपके क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं, उनका कहना है कि नयनपाल रावत ने पूरे अपने कार्यकाल में कोई विकास नहीं, बार बार विकास ना होने का दावा करते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो उसे कहां से विकास दिखाई देगा? जिन रोडों पे वो चल रहे हैं, जो 250 करोड़ की जो सड़कें बनी हैं, ये 9 करोड़ का पुल आपके पड़ोस में बन रहा है, कई सौ करोड़ रुपया हम अपने जो डी प्लान का है, PRI का है, HRDF से है, या अपना बैगी का है, तो ये बैगी का और अन्य पैसा मिला करके जो पंचायतों को गया है या जो सड़कों पे लगा है, ये तो सड़कें भी दुरुस्त नहीं कर पाए थे। 4 बिल्डिंग बनाने, वो गिनवाते हैं स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे पूछ के बनाई थी, मैंने जगह चिन्हित की थी, पहले अपने जो गदपुरी गांव की थी, उसके बाद उस जगह का जब सेटलमेंट नहीं हुआ क्योंकि दोनों तरफ थी जीट रोड के, फिर वो दूसरा को चुना। तो बड़कल की रैली में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमसे चर्चा करके मन से की है, वो यूनिवर्सिटी हमें दी, तो इसलिए केवल एक वो गिनवा के। और मैं कहता हूँ 2400 करोड़ रुपए के काम बताते हो अपने भाई, 2400 करोड़ रुपए के काम करने के बाद तो दो तीन योजना तो काम करने की जरूरत नहीं है, तो हो सकता है उसके 2400 करोड़ के काम अब तक चल रहे हो, इसलिए मुझे जरूरत ना पड़ी। चलिए, अपने रैली को लेकर लोगों से क्या आह्वान करना चाहिए? रैली को लेकर के लोगों से एक ही आह्वान है कि मैंने जिस प्रकार से भगवान का रूप मानकर अपनी जनता को पूजा है, अपनी जनता की सेवा सत्कार किया है, इनके जो हर काम है, चाहे सामाजिक है, चाहे कोई ऑफिसर का, चाहे अन्य है, उन कामों में मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। मान सम्मान इनका बड़ी इज्जत और शिद्दत से किया है, तो उनसे हर बहन, माता, बुजुर्ग और युवा साथियों से एक ही विनती है, क्योंकि ये जो 11 तारीख को आयोजन है ये अपने आप में बड़ा आयोजन है, ये कड़े फैसले लेने का आयोजन है, आगे बढ़ने का आयोजन है, तो इसको पूरी शिद्दत और ताकत के साथ सफल बनाएं और ज्यादा से ज्यादा तादाद में, जैसे मेरी माता बहन पहले आती थी हर रैली में आई हैं, उसी प्रकार से सभी इसमें मिलजुल करके भाग लें।